What's up you lovely people, once again welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing good. Namaste, adab, sat shri akal. So today is Raksha Bandhan. So firstly, happy Raksha Bandhan to everyone. Hope you all are enjoying this festival with your family. And guess what? I am living alone in this very first festive of Raksha Bandhan. So why? Just because my family has gone to their own grandparents' house, और मैं नहीं गया. Just because I have some reasons and मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी and you very well know कि I am not getting my admission done. So that's why I used to stop at my home. So मैं फिलहाल इंदौर में ही हूँ. My family has gone to their parents' house. दीदी गई हुई है दादी के घर, मम्मी गई हुई है नानी के घर, पापा भी दादी के घर है. ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग गए हुए हैं and I am living alone at home. So आज तो फिलहाल अभी मैं रेडी हो गया हूँ जिम जाने के लिए. भाई जिम जा रहे हैं. कल हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी. इट्स रेनिंग वेरी बैडली इन इंदौर. रात भर से पानी था और आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी जनकपुरी में, और कहीं कहीं कारें भी बह गई और भौरकुआ भी बहुत गंदा हाल था. सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द नेचर. होने दो, अच्छा होता है. क्योंकि क्या है, चीज़ें रिसाइकल हो जाती है. जैसे आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें रिसाइकल हो जाती है ना, वैन यू स्टक समवेयर, और फिर दिमाग खराब होता है, ये नहीं करना वो नहीं करना, लाइक दैट. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं आज इसके व्लॉग को, और फिर देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं. well, कुछ दिनों से मैं मेडिसिन मंगा रहा था अपने नाना की, तो वो यहाँ तो मिल नहीं रही थी, तो मुझे भोपाल से उसको पार्सल करवाना पड़ा. तो थैंक यू सो मच मिंटू एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट मेडिकल, जिन्हें मुझे मेडिसिन पहुँचा दी 2 दिनों के अंदर. तो आज मैं वो है चार्टेड ऑफिस से आई हैव टू पिकअप दीज पार्सल ऑफ माई मेडिसिन, और फिर मैं उसको कुरियर करूंगा. लेकिन टुडे इज हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, तो मैं हो सकता है शायद कल उसको कुरियर कर पाऊँ. तो कल जाके मैं उसको कुरियर करूंगा नाना के घर पे, तो वो वहाँ पहुँचेगी मेडिसिन. 2-3 दिन में तो 4 दिन लग जाएंगे. तो शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को और देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले, क्योंकि हमें भाई घर पे अभी अकेले. तो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग गाइस. सो पीपल राइट नाउ आई एम बॉइलिंग पोटैटो फॉर माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा अंदर में बॉडी में थोड़ी जान आ जाती है पोटैटो खाने से, और वेट गेन भी होगा. तो आई एम इन अ मोड ऑफ गेनिंग. तो अभी फिलहाल मैं 1-2 पोटैटो यहाँ से खाकर जाऊँगा. दूध मैंने पी लिया है और साथ में मैं बनाना खा के जाऊँगा. ठीक है, तो बनाना और आलू मैं अभी खा के जा रहा हूँ. फिर आके देखते हैं, चावल बनाने पड़ेंगे क्योंकि खाना तो मुझसे नहीं बन पाएगा, वरना मैं बाहर से ले आऊँगा. लेकिन फिर भी आज तो मैं घर पर ही बनाऊँगा. तो आज मैं नमकीन चावल बनाऊँगा या मीठे, और दूध तो मैं पी चुका हूँ. तो फिलहाल तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर जिम की तरफ निकलते हैं, और हो सकता है आज हम जिम में थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लें तो आपको भी बताएं. तो जस्ट वेट फॉर इट. सो अभी तो फिलहाल हम आलू को बॉईल होने देते हैं, देन वी विल मीट यू अगेन. सो गाइस फाइनली द पोटैटोज आर बॉइल्ड वेरी वेल, एंड हियर इंस्टीड इन बिटवीन आई कट 2 बनाना फॉर माई ब्रेकफास्ट. तो अब जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ क्योंकि नीरज भी फिर कुछ देर में आने वाला है. तो वी जस्ट हैव टू गो बैक टू द जिम, एंड फिर उसके बाद वर्कआउट करेंगे. वर्कआउट करने के बाद वापस घर आएंगे, फिर अच्छे तरीके से नहाएंगे. उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग हमारे नाना की दवाई का पार्सल लेने. तो अब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर हो सकता है अगर जिम में अगर रिकॉर्ड किया तो देन आई विल मीट यू इन द जिम, अदरवाइज घर आके वापस मिलता हूँ. ओके चलो गाइस, वैसे तो हम लोग जिम जा रहे थे लेकिन आ गए हम लोग पोहा खाने 78 पे. और जिम के नीरज बता हुआ क्या था? स्कैम हो गया गाइस हमारे साथ, बहुत गंदा वाला. वो मैं आपको घर पे जाके बताऊंगा. हमने सोचा था डबल वसल मारेंगे, और हम अब खा रहे हैं यहाँ पे पोहा. चलो घर जाके बताता हूँ हुआ क्या था. हाँ बोल. अब हम सिंगल मसल लगाएंगे, वो है हमारी पेट पूजा. हम अभी भी हमारी पेट पूजा कर रहे हैं सिंगल मसल मार के. भाई आज तो बहुत गंदी तरीके से जिम मार के आए, डोले वगैरह फुल गए, बैक मैक मारी थी. So guys, हम लोगों का आज हो गया है पोपट. हम गए थे जिम लेकिन हमारा हो चुका है पोपट. वो कैसे मैं आपको बताता हूँ. एक्चुअली हम गए यहाँ से, घर से निकले फटाफट मस्त के. आज तो डबल मसल मारेंगे, कल भी जिम नहीं करा, मस्त एकदम तगड़ा वर्कआउट मार के आएंगे. तो अक्षत तो उसकी तबीयत खराब थी तो अक्षत गया नहीं, मैं और नीरज गए थे. हुआ ये कि हम लोग जैसे ही जिम गए, सामने हमारा क्या सीन था गाइस. शटर बंद था, दुकान बंद थी, और साथ में जिम भी बंद था. एक्चुअली हम जाते हैं जहाँ जिम, वो पाटनीपुरा में है, तो वहाँ पे मैं जिम जाता हूँ डेली. और जिम जो आज बंद था, हम लोग को इतना गुस्सा आया कि भाई अगर हमें पता होता तो हम लोग चले जाते राखी बनाने फैमिली के साथ. लेकिन क्या करो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. तो गाइस अभी तो हम लोग का पोपट हो चुका है, कट भी चुका है. हम लोग जिम नहीं करके आए, घर वर्कआउट नहीं हो पाया हम लोग का, और फिर कल भी शायद जाए ना जाए, कोई कंफर्म नहीं है. तो अभी तो फिलहाल मैं जल्दी से नहाता हूँ, फिर भगवान की पूजा वगैरह करता हूँ, और सीधे भी निकलता हूँ मैं नाना की दवाई लेने, जो कि पड़ी हुई है चार्टर्ड ऑफिस पर। तो चलो फटाफट। सो गाइज फाइनली आई एम रेडी टू रोल। अब मैं जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए। आई जस्ट कम्प्लीटेड विद द पूजा ऑल्सो, और भगवान को मैंने राखी भी चढ़ा दी। आज रक्षाबंधन है, एज यू ऑल नो वेरी वेल। सो आई एम जस्ट गोइंग फॉर टेकिंग माई पार्सल बैक फ्रॉम चार्टर्ड ऑफिस। तो चलते हैं अब फटाफट, देर ना करते हैं, क्योंकि बाहर देखो मौसम, ये बाहर कुछ ऐसा हाल है अभी मौसम का, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि देरी ना करूँ और जल्दी से निकल जाता हूँ पार्सल लेने के लिए। तो चलो गाइज, मैं घर से बाहर निकला ही हूँ कि इट स्टार्ट रेनिंग। अभी मैं थोड़ा सा रुक गया था क्योंकि मैंने पेट्रोल डलाया और फिर बारिश आने लग गई थी। तो आई जस्ट हैव खिचड़ी, साबुदाने की खिचड़ी खाई मैंने बाहर शॉप पे, और फिर अभी जस्ट पानी बंद हुआ है। मौसम तो बहुत प्यारा हो रहा है, 2 दिन से लगातार बारिश गिरी रही है इंदौर में, तो मौसम तो काफ़ी प्यारा हो रहा है। और फिलहाल अभी निकल गया हूँ मैं वापस, क्योंकि पानी रुक गया था। तो मस्त पेट पूजा भी हो गई हमारी। तो अभी जैसे साबुदाने की खिचड़ी भी खाई है। घर पे आलू ऑलरेडी बॉयल रखे हुए हैं, वो मुझे खाना है, और मैं चावल बनाने का सोच रहा हूँ घर जाके। तो देखते हैं चावल बनाता हूँ या फिर नहीं। तो अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ AICTSL। तो चलते हैं अब जी। तो मैं एक बात और आपसे करने वाला था कि अभी 15 अगस्त आने वाली है, राखी तो निकल ही जाएगी खैर आज, और 15 अगस्त आने वाली है। तो आप लोग तिरंगा अभियान में भाग ले रहे हैं या फिर नहीं? क्योंकि आप लोगों को पता है ना, अभी 13 से 15 हर घर में तिरंगा फहराना है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम भी लेकर आएंगे और हम भी फहराएंगे बकायदा तिरंगा। तो अभी मैं बाहर निकला था, तो मुझे कई जगह तिरंगे दिखे अभी से। तो मैंने कहा बात तो की जाए आपसे, आप लोग कर रहे हैं या फिर नहीं। ये देखिए यहाँ पे रैली भी निकल रही है, यहाँ पे देखो हर घर तिरंगा का ये जो अभी रैली भी हो रहा है हमारे घर के आसपास। तो इंदौर में तो खैर काफ़ी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो अभी तो फिलहाल इंदौर में गजब ही बाढ़ आई थी भाई, मतलब सड़कों में पानी वानी था। ए डॉगी, क्या हो गया तुम्हारे पैर में? यार उसको लग गई है शायद। तो अभी तो फिलहाल वही बात कर रहा था कि तिरंगा फहराना जरूर अपने घर पे, और मौसम के मज़े लेते रहो मेरे साथ। चलो ये देखो दुकान पे तिरंगे दिख रहे हैं आपको, 2 टंगे हुए पेड़ पे। बस इसी तरीके से हर जगह मुझे तिरंगे दिख रहे हैं आजकल, और अच्छी बात है यार, अपना देश है मस्त। सो गाइस फाइनली आई एम अबाउट टू रीच एट चार्टर्ड बस स्टॉप। Once I pick up the parcel, I will meet you, okay? ये बस मेरे लेफ्ट में ही है चार्टर्ड ऑफिस। बाहर से दिखा देता हूँ मैं आपको। वेट फॉर अ मिनट। आजा आजा आजा। मतलब आज तो ट्रैफिक भी इतना नहीं है यार इंदौर में। मतलब आज राखी है ना, तो सारे भाई बहन सब बिजी हैं, बाहर कोई घूमने ही नहीं आ रहा है, हम लोग आ रहे हैं बस अकेले। चलो ये आ गया चार्टर्ड ऑफिस मेरे लेफ्ट में। यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत क्राउड दिख रहा है मुझे। हाँ है, क्राउड है। तो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का चार्टर्ड ऑफिस इंदौर का। चलो मैं पार्सल ले लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। गाइस मैं निकल गया हूँ चार्टर्ड ऑफिस से बाहर। मेरा फिर से कट चुका है एक पर्टिकुलर रीज़न के कारण। मैं घर पहुँच जाऊँगा, देन आई विल लेट यू नो व्हाट इज़ द रीज़न मेरा कटने के पीछे, है ना। मतलब मुझे अभी पार्सल नहीं मिला मेरा, ठीक है। वो रीज़न मैं आपको घर जाके बताता हूँ आराम से, सुकून से। थोड़ा आपको भी इंतज़ार करने दो ज़रा, तुम भी सोचो क्या रीज़न था, क्या रीज़न था। तो मैं फटाफट घर पहुंचता हूँ, फिर मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड नॉट गेटिंग माय पार्सल टू मी, ओके। चलो अब मैं घर जा रहा हूँ, फटाफट फिर घर पे ही मिलता हूँ आपको। गाइस घर जाते जाते क्या दिखा, अरे हाय, ये हमारे वतन का तिरंगा है और कितना प्यारा लग रहा है। मतलब ये चीज़ देख के ना वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जहाँ भी माइंड डाइवर्ट रहता है ना, वो और कहीं डाइवर्ट हो जाता है। यार देश से किसको प्यार नहीं है गाइस। चलो देख लो इसको अच्छे से। अब हम जाते हैं हमारी घर की ओर। गाइस आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पोपट होना लिखा ही है या फिर वाट लगना लिखा ही है लाइफ में, पता नहीं क्यों। अभी मैं आपको पता है ना, मैं पार्सल लेने गया था, तो देन आई जस्ट कम बैक फ्रॉम चार्टर्ड ऑफिस, और अभी जस्ट मैं घर आया हूँ वापस से। तो दिक्कत ये हुई कि क्या होता है कि वहाँ पे एक अलॉट लेटर देना पड़ता है, एक स्लिप आती है जिसमें आपका पार्सल नंबर लिखा रहता है। तो आई डोंट हैव दैट पर्टिकुलर स्लिप। तो जो जिनसे मैंने पार्सल मंगाया, तो उन भैया से मैंने बोला कि आप पार्सल कर दीजिए या तो मुझे वो स्लिप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हुआ ये कि उनके पास भी वो स्लिप नहीं थी, एंड सडनली अब क्या हुआ कि वो स्लिप उनके घर पे छूट गई, और वो अपने मेडिकल स्टोर पे बैठे हुए थे भोपाल में। तो फिर मैं बहुत देर तक वेट करता रहा। उन्होंने बोला मैं देख लेता हूँ, अगर स्टोर पे मेरे पास होती है तो मैं देता हूँ, वरना तो काफी टाइम हो गया, लेकिन उन्होंने बोला कि वो घर पे रह गई है, तो अब वो दिन में घर जाएंगे, फिर वो मुझे स्लिप व्हाट्सएप करेंगे, देन अगेन आई हैव टू गो बैक टू द पार्सल ऑफिस ऑफ चार्टेड, देन वहां से मैं वापस पार्सल उठा के लेके आऊंगा। भाई मतलब आज तो अभी फिर अक्षत का कॉल आ गया है, तो अक्षत जो है उसकी मम्मी अभी आई हुई है, तो वो वापस जा रही है उनके घर, तो वो भी रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना है उनको, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अक्षत को पिकअप करने जाऊंगा वापस, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो तो यहाँ से ऑटो से चला जाएगा और मैं उसको पिकअप करके वापस घर ले आऊंगा। तो अभी तो फिलहाल मैं वापस दूध लेके आया हूँ, खत्म हो गया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि दलिया वगैरह बनाऊं। अभी तो फिलहाल दूध गर्म करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तो चलो इस द मिल्क गाइस, जो अभी मैं लेकर आया हूँ और ये अभी गर्म हो रहा है, फिर ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर मतलब वो कहते हैं ना गर्म करना पड़ता है दूध लेके आए तो दूध गर्म हो रहा है, फिर उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा गैस को आके, ठीक है। तो अभी फिर टाइम भी होने वाला है, अक्षत की मम्मी जा रही हैं तो वो भी जाएगा, तो फिर उसको भी लेने जाना पड़ेगा, तो वेट करते हैं अभी थोड़ा। तो गाइज अब मैं जा रहा हूँ अक्षत को पिकअप करने रेलवे स्टेशन, तो फिर आपको आके मिलता हूँ वापस। सो गाइज मैं अक्षत को लेके आया, उसके बाद फिर मैं सो गया था, मतलब मेरी नींद लग गई थी, लेकिन उसी के बीच में मैंने दलिया भी बनाया था, तो दलिया बना के मैंने खा लिया था, दूध में सुबह लेके आ गया था। तो अभी तो फिलहाल हमको जो है अभी हम लेके आए ब्रेड, क्योंकि हमें लग रही है भूख, तो फिलहाल मैं बटर और ब्रेड खाने वाला हूँ, मतलब नमकीन जो ब्रेड बनती है ना उसको उस तरीके से करके मैं खाने वाला हूँ, और हो सकता है आलू का मसाला भी मैं बना लूँ। तो चलते हैं जल्दी से किचन में और बनाते हैं, भाई भूख लग रही है। कह रही है मेरे डिसीजन था कि मुझे अकेले घर पे रहना है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो लोग वहाँ दाल बाफले खा रहे हैं। और नरसिंहगढ़ इतनी प्यारी प्लेस है, अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा नरसिंहगढ़ को तो आप देख सकते हो, और बाकी तो आप सर्च करके और भी लोगों के व्लॉग्स देख सकते हो, नॉट ओनली मी। अगर नरसिंहगढ़ जाना चाहते हो तो भाई जाओ, बहुत प्यारी जगह है, मिनी कश्मीर है भाई। चलो फिलहाल तो हम किचन में जाते हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं अभी। सो गाइज ये ब्रेड मैं अभी लेकर आया हूँ, ब्राउन ब्रेड, आलू सुबह के रखे हुए हैं मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं कुछ सैंडविच नॉर्मल बना लूँ और बाकी जो है क्या कहते हैं केवल सेक लूँ उनको, ठीक है, बटर के साथ। तो जल्दी से मैं करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। सो भैया यहाँ अपनी सिक रही है ब्रेड अच्छी तरीके से, ओके, इनको सिकने देते हैं, थोड़ी सी गैस का हम फ्लेम कम कर देते हैं, ठीक है। तो फिर अब जैसी सिक जाती है वैसे मैं इसको खाता हूँ और एंजॉय करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको, ओके ना, कहीं जाना मत अभी। सो गाइस ब्रेड तो हमारी सिक के रेडी हो चुकी है, अब हम सोच रहे थे कि जो हमारा आलू का मसाला है थोड़ा सा, जो मैंने इसको अभी थोड़ा सा जो आलू सुबह का बच गया था उसको मैंने रख दिया था, तो इसको जो है हम लोग अभी फ्राई कर लेंगे, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो 2 मिनट में इसको निकाल लेता हूँ अच्छे से, फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये हमारा आलू का मसाला है, तो मैं भी इसको थोड़ा सा फ्राई कर ले रहा हूँ, जिससे मुझे सैंडविच के लिए सही परफेक्ट चीज़ मिल गई है, मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो अभी इसमें नॉर्मली हम नमक मिर्ची डालेंगे और कुछ भी नहीं, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ऑयल में डाल चुका हूँ। तो यहाँ रखा है हमारे पास, थोड़ा सा मिर्ची डाल देते हैं हम टेस्ट के अनुसार, स्वाद अनुसार हम लोग नमक डाल देंगे, थोड़ा स्टाइल में, छी मजाक कर रहा हूँ। तो अब इसको थोड़ा सा फ्राई हम होने देते हैं। ठीक है, तो ये आज का मेरा डिनर हो गया, 5 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड सम पटेटो, और उसके साथ थोड़े बहुत सेव हो जाएंगे और कुछ स्नैक्स हो जाएंगे। तो बस फिर इंतज़ार करो, तुम्हें चढ़ाऊंगा मैं अभी खाना खा के, ओके। सो गाइस मेरे सैंडविच जो है वो रेडी हो चुके हैं, कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। तो फिलहाल मैं करता हूँ पेट पूजा, फिर आपको इनका स्वाद बताता हूँ। बाय बाय द नेक्स्ट डे। सो हाई गाइज दिस इज द वेरी सेकेंड डे, और कल रात को क्या हुआ कि मैंने खाना वाना खाया, ब्रेड खाया, बहुत प्यारा सैंडविच बना था गाइज, मजाक नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। तो फाइनली मैं जो है रात को मैं पार्सल लेने चला गया था मेडिसिन का, तो आज जो है इसको कुरियर भी कराना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना इस ब्लॉग को खत्म कर दिया है और नया ब्लॉग वापस स्टार्ट कर दिया है। अभी मॉर्निंग है और आई जस्ट हैव माय ब्रेकफास्ट डन विद इट, एंड अब जो है इसको अभी तो फिलहाल जिम जा रहा हूँ, जिम से आने के बाद नहाने धोने के बाद फिर मैं जाऊंगा इस पार्सल को जो है कुरियर कराने नाना के यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, और किसी भी रीजन से आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, वीडियो को शेयर करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय और बी ऑलवेज इन अ पॉजिटिव वे। चलो बाय।